हाय फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ हर रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का पिन पॉइंट। देखिए, कल मार्केट होगा क्या किसको पता, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन चेन दोनों के साथ तालमेल करके जो व्यू निकल के आता है ये मैं आपके साथ प्रेजेंट करता हूँ। तो चलिए दोस्त, जिन दोस्तों का आज फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। इंटरनेट ट्रेडर्स अगर आप है तो क्लियरली टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पे क्लियरली मैसेज दिया जाता है। कोई आदर्श चैनल जैसे नहीं जो ये वेबसाइट देखो, ये हो रहा है, ये जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। क्लियर मैसेज दिया जाएगा, यहाँ पे बाय करो, ये टारगेट है। कभी कभी मैं स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मुझे ज्यादातर उम्मीद रहता है कि वो टारगेट जरूर जाएगा। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है, अभी 25 जुलाई वाला ये सीट ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है। आज शाम तक आपके पास लास्ट टाइम है, कल से आप 25 जुलाई के लिए सीट बुक नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट बैच जो है वो 10 अगस्त को है, जिसका फीस 7500 है। वो आपको 10+3 में रहेगा, 10+3 डेज में क्लासेस रहेंगे 10 अगस्त वाला, 10+3। ओके, चलिए उस टाइम में भी आप 5000 में कोर्स कर पाएंगे 10 डेज का, और विथ 3 डेज जो उसके साथ जो एडवांस क्लासेस होंगे 3 डेज का वो ज्वाइन करना है, तो प्लस 2500 एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। चलिए दोस्त, कल के लिए मैं क्या देख पा रहा हूँ मार्केट का, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। टारगेट बहुत ऊपर है, टारगेट बहुत ऊपर है। अब जो लेवल आज का क्लोजिंग दिया है, ये लेवल बहुत ही शानदार लेवल है, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है, बहुत ही पॉजिटिव लेवल है। ओके, तो इस लेवल के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है। जब मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा कि ये बहुत अच्छा लेवल है और इसको ऊपर हमें क्लोजिंग का मिला है, ये भी एक अच्छी बात है। अब इसके ऊपर से और एक नॉन स्टॉप रैली हमें दिखाई दे सकता है, जो कि आपको 11,350 जो मैं ये लेवल ड्रॉ किया हूँ, इस लेवल तक जाने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कल का सेशन में ही दिखाई देगा, हो सकता है ये कल का सेशन में भी दिखाई दे सकता है। इसका बीच में कोई छोटी मोटी लेवल मैं रखा नहीं हूँ, मैं सीधा ये लेवल रखा हूँ जो कि मैं कल का वीडियो में भी, एक दिन पहले का भी वीडियो में भी बताया था, 10,300। और अब भी मैं वही बात कर रहा हूँ, 11,300। ओके, अब मैं डाउन साइड कब देखूंगा, देखो मार्केट का कोई अता पता नहीं, कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता है। तो अचानक ऐसे कुछ न्यूज आ गया मार्केट के लिए, इंडिया के लिए, जो मार्केट को गिरा सकता है, तब जाके मार्केट गिरेगा। इससे पहले अचानक अभी गिरने वाला नहीं है। लेकिन मार्केट का भी एक ओवरबॉट ओवरसोल्ड नाम का चीज होता है, ये ओवरबॉट तो भी होगा मेरे ख्याल से, लगभग 11,350 to 11,380 इस लेवल को पहुंचने के बाद। ओके, और वहां से एक गिरावट आ सकता है जो कि आपको 11,100 के आसपास का गिरावट मार्केट में दिखा सकता है, तो आपको अलर्टनेस रहना है। फिलहाल के लिए मैं मार्केट में नेगेटिवनेस नहीं रहूंगा जब तक 11,160 के नीचे नहीं आता है। ओके, अब सेकंडली अगर किसी दिन कल का दिन में ही मान लीजिए 11,160 को ब्रेक कर देता है, तो मैं 11,124 की तरफ जाऊंगा, तो मैं 11,160 की तरफ जाऊंगा। ये मैं एक एक लेवल क्यों दे रहा हूं, आपको पता होगा कि मार्केट कभी सीधा नहीं चढ़ता है, मार्केट जब भी चढ़ता है इस तरीके से एक खेल दिखा दिखा के ऊपर चढ़ता है। अब जी ये लेवल होता है, ये लेवल होता है, ये लेवल होता है, ये आपको आइडेंटिफाई करने का जरूरत होता है, ये आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होता है। मैं आज बोल बोल के, देखो मेरा टेलीग्राम चैनल पे बोल बोल के कॉल देता हूं, जे अभी जैसे आज किसका दिया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का कॉल दिया था, बोल के दिया था कि अभी इसमें मोमेंटम आने वाला है, कितना 1% का। वो क्लियरली आपको वहां से 5 रुपीज का 5 पॉइंट का टारगेट दिखाया। टाटा स्टील में मोमेंटम आने से पहले मैं बताया कि टाटा स्टील क्या लेवल था, वो 334.50 शायद कुछ, यहाँ पे फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है, 4.50 ये लेवल था। इसके बाद आपको 1% का रिटर्न, वो तुरंत ही एक ही कैंडल पे 2 रुपया का रिटर्न दिखाया। तो ये लेवल आपको पता चल जाएगा कि किसी स्टॉक में कब मोमेंटम आने वाला है, कब बाइंग करना है, निफ्टी में कब मोमेंटम आने वाला है, कब बाइंग करना है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो लेवल दिखाई दे रहा है मुझे,
थोड़ी सी पॉइंट बाकी है बैंक निफ्टी का जो ओपन जोन है इसको क्रॉस होने में। ओपन जोन क्या है 23,225, ये ओपन जोन है जो कि निफ्टी के लिए ओपन जोन था 11,230, उसको ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है। अब बैंक निफ्टी को इसको ऊपर क्लोजिंग होना है तो 23,225 इस लेवल के ऊपर आना है। आई थिंक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल के सेशन में हो सके आपको मॉर्निंग में ही ये लेवल दिखाई दे और इसके ऊपर ये 23,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे और 23,700 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे। बट इसके पीछे आपको ये स्थिति जरूर देखने को मिल सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या स्थिति की बात कर रहा हूं, कभी उतार कभी चढ़ाव। ओके, हमें इंट्राडे प्रॉफिट कमाना है तो इस उतार चढ़ाव को आइडेंटिफाई करना है। डाउनसाइड के लिए मैं जो लेवल दिखा रहा हूं वो 20,900 इसका ऊपर जब तक है, जब तक ना इसे ब्रेक कर रहा है तब तक हम डाउनसाइड के लिए बात नहीं करेंगे। और इसको अगर ब्रेक होता है तो मैं 22,760 इस लेवल की बात करूंगा, मैं 22,730 मैं इस लेवल की बात करूंगा, लेकिन 22,900 ये ब्रेक होने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक मैं आपको दोनों प्रेजेंटेशन के माध्यम से कल निफ्टी में क्या क्या लेवल दिखाई दे सकता है यह मैं बता दिया हूं। देखिए काफी दोस्तों का क्वेरीज रहता है, सर क्लास में क्या क्या सिखाएंगे ये बता दीजिए एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लियर इस टॉपिक के ऊपर आपको क्लास होता है, इसको आप देख लीजिए, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब सीधा चलते हैं, अब मैं इस टेक्निकल चार्ट से आपको परिचय कराऊंगा, आइडेंटिफाई कराऊंगा, समझाऊंगा कि इस टेक्निकल चार्ट के माध्यम से ही हमें एक एक पॉइंट स्टॉक का समझ में आता है, हमें स्टॉक का पिन पॉइंट और निफ्टी का पिन पॉइंट इस चार्ट को समझते हुए समझ में आता है। जैसे मैं दो दिन पहले भी बताया था, जब मार्केट गिर रहा था तब एक कंडीशन, एक सिचुएशन बना के गिर रहा था। ओके, एक सिचुएशन बना के गिर रहा था और अब जब चढ़ रहा है मार्केट तो भी एक सिचुएशन बना के चढ़ रहा है, ये सिचुएशन। ओके, और ये आपको क्लियर बुलिंजर बैंड में दिखाई दे रहा है। अब बुलिंजर बैंड का सेटिंग्स, बुलिंजर बैंड कहां पे किस तरह का इस्तेमाल करें ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए दोस्त, कल के लिए जो मैं निफ्टी का टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा प्रीवियस दो हाई का, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर निफ्टी क्लोजिंग दिया है, क्लियर कल का जो हाई था उस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ है, दो बड़ी पॉजिटिव बात। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं 11,350 एंड 11,380 इस लेवल का, इसका पीछे राज क्या है, इसका पीछे गहरा राज है, मैं कैसे ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया हूं और क्यों ये यहां तक जा सकता है। चलिए, तो मैं यहां के लिए जब टेक्निकल चार्ट देख रहा हूं तो यहां पे मैं निफ्टी में तो बुलिश हूं और साथ में बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा तो मैं जो बात कर रहा था बैंक निफ्टी का वो यही है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल बनाया था जस्ट उसका नीचे आके आज क्लोजिंग दिया है। कल के लिए आपको ये जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये जो हाई दिखाई दे रहा है, इस हाई के ऊपर जाके खड़ा होना जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। और ये जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है, जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या पॉइंट है अब देखिए जरा गौर से, ये पॉइंट है 23,240 नियर अबाउट 40, तो इसको ऊपर जाके खड़ा होना जरूरी है, यानी कि एक 15 मिनट कैंडल और उसका आगे फिर से एक कैंडल उसका ऊपर सस्टेंस होना जरूरी है, तब जाके मैं यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल मैं देख पा रहा हूँ वो मैं 23,500 एंड 700 के लिए एक तेजी देखने को मुझे दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्त, अगर गैप अप ज्यादा गैप अप के साथ ओपन होता है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हो भी सकता है। तो आज मैं आप लोगों को जो कॉल लास्ट में होल्ड कराया हूँ, देखते हैं कल क्या होता है, मुझे नहीं पता कल क्या होगा उसके ऊपर, बस मुझे उम्मीद था जो अच्छा होगा इसलिए मैं इस कॉल को बाइंग कराया हूँ आपको 245 में, कितने 245 में बाइंग कराया हूं और अभी 267 चल रहा है। और जो दूसरी कॉल मैं बाइंग कराया हूं वो है निफ्टी का 11,300 का, जो कि आपको 78 में बाइंग कराया हूं और अभी उसका प्राइस जो चल रहा है वो 84 चल रहा है। मैं कल इन दोनों पोजीशन के ऊपर टेलीग्राम चैनल पे एक बार मैं आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिखा दूं, जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है आप देख पा रहे हैं, इस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इंटरडे के लिए काफी कुछ आप मिस कर रहे हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
कि बाकी जो हमारे स्टूडेंट है इन लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। ये देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट, थैंक्स सर्कल ट्रेडर्स, थैंक्स सर्कल ट्रेडर्स, ये हमारे स्टूडेंट का प्रॉफिट है 26,000 प्रॉफिट, ओके 20,000 प्रॉफिट। और जो मेन खिलाड़ी, मेन हमारा हीरो है, उसका प्रॉफिट अभी तक मैं यहाँ पे जोड़ा नहीं हूँ, उन्होंने ऑलरेडी मेरे को व्हाट्सएप में भेज दिए हैं, तो मैं उनका प्रॉफिट भी बाद में यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो चलिए दोस्त, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट। हम देखेंगे ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन के माध्यम से क्या लेवल इंपॉर्टेंट है उसको हम ढूंढेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन, यानी कि जुलाई एक्सपायरी का ऑप्शन चेन जो कि 30 जुलाई को है। और यहाँ पे जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं देखूंगा जो कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है, पुट साइड और कॉल साइड, ये तो सभी लोग जानते होंगे जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे मैं लाइन खींचना चाहूंगा 11,200, इसके ऊपर लाइन खींचना चाहूंगा। और ये जो लेवल आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाकई ही सेलिंग प्रेशर है, पुट साइड में सेलिंग प्रेशर है। अब मैं इतना गारंटी के साथ कैसे कह रहा हूँ कि ये सेलिंग प्रेशर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर फिगर ज्यादा दिखाई देगा तो सेलिंग प्रेशर है। इसके अंदर की बात जानना जरूरी होता है कि इसके अंदर कितना बायर बैठा है, कितना सेलर बैठा है। अगर बायर से सेलर का जो गुना है ये कम से कम डबल है, तब जाके हम सेलिंग अच्छा खासा और अच्छा खासा सपोर्ट है ये मानते हैं। तो फर्स्टली सपोर्ट मैं बात करूंगा 11,200 का, सेकेंडली सपोर्ट की मैं बात करूंगा 11,100 का, एंड थर्डली सपोर्ट मेरा जाता है 11,000 पे। तो फिलहाल के लिए जो सपोर्ट मुझे दिख पा रहा है ठीक ठाक वो 11,200 का ही है, और इससे ऊपर ही कल का दिन में रहने का उम्मीद मुझे लग रहा है, ओके। अब रेसिस्टेंस देखिए कहाँ फेस हो रहा है, रेसिस्टेंस मुझे छोटा मोटा रेसिस्टेंस फेस हो रहा है 11,300 के ऊपर, जहां पे हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम में दिखाई दे रहा है 3,42,000, जो कि कमी फिगर है। और इससे ऊपर जाता है आपको 5,71,000 का फिगर, जो कि 11,400 के ऊपर। तो मुझे ये जो लेवल है, इस लेवल के बीच में ही कहीं ना कहीं से निफ्टी को बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए, ओके फ्रेंड्स। तो इस लेवल को याद रखिएगा, और यहाँ पे अगर पहुंच जाता है तो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा कि यहाँ से आगे और क्या रवैया निफ्टी हमें दिखाने जा रहा है, ओके फ्रेंड्स। साथ में हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में क्या देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 23,000 के ऊपर मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये 23,000 का जो फिगर है इसके ऊपर मैं लाइन खींच रहा हूँ, और ये हमें 1,09,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम दिखाई दे रहा है। और देखिए आज ही जस्ट एक्सपायरी खत्म हुआ है वीकली, और नेक्स्ट एक्सपायरी का ही हम डेटा देख रहे हैं। और आज का दिन में खड़े होकर हम ऐसे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी अगर ऐसे फिगर देख रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसको माइनर अपॉर्चुनिटी मत दीजिए, ओके। तो मुझे तो फिलहाल के लिए, मैं तो बिल्कुल बुलिश हूँ मार्केट को लेके, जो यहाँ से मुझे मार्केट पॉजिटिव साइड में ही दिखाई दे रहा है कल के लिए। अब लोगों का सवाल रहता है सर कल के बाद क्या मंडे के लिए सिलेक्शन करें, मंडे के लिए हम होल्ड करें कॉल पोजिशन लेके, तो मैं यहाँ पे क्लियरली मना करता हूँ कि दिन के उजाले में अपना खुली आंखों में जितने पैसे कमाना है उतना कमा लीजिए, और जब दो दिन का गैप अप हो जाता है, गैप हो जाता है, तो उसके बीच में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको हीरो से जीरो भी बना सकता है, आपको जीरो से हीरो भी बना सकता है। तो वो कब ट्राई करेंगे, वो आप ट्राई करेंगे एक बार मार्केट से आप 20,000 लगा के जब 20,000 या 40,000 प्रॉफिट यहाँ से अर्निंग कर लेंगे, तब उसके बाद जाके ऐसे ट्रेड में ट्रेड कीजिएगा, उसके बाद जाके वैसे ट्रेड में ट्रेड कीजिएगा। पहले आपका जो मेन मूलधन है, मेन पूंजी है, उसको रिकवर कीजिए, ओके फ्रेंड्स। अब कल के लिए कोई स्टॉक तो मैं फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक का वीडियो जरूर मैं शाम को 8 बजे तक मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, और दिखाऊंगा कौन सी स्टॉक में कल के लिए जबरदस्त तेजी आ सकता है। हमने पिछले दिन देखो ऑलरेडी हमारा स्टॉक के ऊपर वीडियो बनना शुरू हो गया है, और हमने हर रोज शाम को आपको स्टॉक के ऊपर वीडियो पोस्ट करते हैं, और उसमें नेक्स्ट डे में कौन सी स्टॉक में तेजी दिखाई दे सकता है इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो आज जो भी स्टॉक था, HDFC हमारा सुबह सुबह ही आपको टारगेट दिखा दिया है, ऑरो फार्मा दोपहर के बाद हमें ये लेवल दिखाई देने को मिल रहा है,
एसबीआई लाइफ आपको 72 के बाद 80 के करीब तक आपको टारगेट ये दिखाई देने को मिला है। ओके, वॉच जिल बताया था, जिल आपको सुबह सुबह में अच्छा खासा तेजी इसने दिखाया है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके लिए मेहनत के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं और आपका लाइक आता है तो हम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन तुरंत दबाइए, ताकि हम जब बेसिक वीडियो छोड़ते हैं, जब स्टॉक का वीडियो छोड़ते हैं, सबसे पहले आपको साथ नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस कॉल का फुल्ली फायदा उठा सकते हैं। आगे हम लाइव मार्केट में भी आपको वीडियो डालने का कोशिश करूंगा, तो उन सब वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन दबाना आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइक बटन नहीं दबाए तो लाइक बटन दबाइए। और जो तीसरी बात है, जिन्होंने हमारे चैनल का वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक में और सोशल मीडिया पे और मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, उनके लिए दीपावली ऑफर, दीपावली बम्पर मैं जरूर तैयार कर रखा हूँ और उनको दीपावली में अपना घर में मिल जाएंगे वो ऑफर, वो बोनस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्त, टाटा।